बनाइए बहना, खड़े होकर के तालियां बजाइए, जनता ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, वो कहाँ के थे, कौन लोग थे, विपक्षी लोग थे, उन्होंने क्या कहा क्या कहा। मैं डिप्टी सीएम से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने आके क्या कहा क्या नहीं कहा है, मैं उसके लिए उनसे क्षमा मांगती हूँ। कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं। कल माननीय डिप्टी सीएम साहब का जनपद में आगमन था, उन्हें पहले से जानकारी थी, राजू जी के प्रकरण को वो स्वयं देख रहे थे, प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। कल परिवार से मिलने गए, सांत्वना देने गए, वहां पर पहले से चुकी सूचना थी, भीड़ जमा थी, उसी में कुछ अराजक तत्व जो घुस आए, जिन्होंने हंगामा करने का प्रयास तो किया है मगर सफल नहीं है। और आज आप देखिए, स्वयं राजू मौर्य की पत्नी जो बेचारी बहुत दुखी है, वो स्वयं आके मीडिया के सामने इस बात का उसने स्टेटमेंट दिया है कि वो ना मेरे रिश्तेदार थे, न मेरे परिचित थे, न मैं उन्हें जानती हूं। वो कौन अराजक तत्व मेरे घर में आके इस तरीके का प्रयास किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग खुद राजू की पत्नी पूनम मौर्य ने किया है। देखिए, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सरथू में किया गया है, वो क्या प्रदेश के लोग भूल पाएंगे कि किस तरीके से उनके अपने ही लोगों ने उनका स्वागत किया? क्योंकि वो जान रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने समाज के लिए या उनकी पार्टी ने उनके समाज के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, सबका साथ लिया और अपना विकास किया। तो बहुत जन आक्रोश जिस तरीके से उबल करके सामने आ रहा है, पिछड़े समाज से, अगड़े समाज से, ब्राह्मण समाज से, वो इस बात को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने नाखुश हैं कि कहीं उनके विधायक घुसने नहीं दिए जा रहे हैं, कहीं कूटे जा रहे हैं, कहीं उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर डिप्टी सीएम का इस तरीके से जनता का व्यवहार हो रहा है कि वो हाथापाई पे उतर आ रहे हैं, अपने ही कंस्टिट्यूएंसी के लोगों पे कहा सुनी हो जा रही है सारी बातों को लेकर।